हेलो दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तरफ से एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी आ चुका है। आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं कि 18वां किस्त का पैसा यानी कि 2000 रुपए का अगला किस्त आपके खाते में कब आने वाला है। ये सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया है। बस आप लोगों को ये जानना है कि इस दिन आपके खाते में इतना बजे तक पैसा जो है वो 2000 रुपए का जो किस्त है वो आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 18वां किस्त का पैसा 2000 रुपए आपके खाते में किस दिन आएगा, कितना बजे तक आएगा। इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर रख लेना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, मैं अपने मोबाइल का स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे सरकार की तरफ से क्या अपडेट आया। देख सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का हस्तांतरण जो है वो 9.5 करोड़ लाभार्थी किसानों को 20,000 रुपए जो है 20,000 करोड़ की धनराशि जो है वो ट्रांसफर की जाएगी। देख सकते हैं 9.5 करोड़ लोगों को, किसान भाइयों को यहाँ पे 2000 रुपए का किस्त जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा। कब किया जाएगा देख सकते हो यहाँ पे 5 अक्टूबर 2024 को यहाँ पे वाशिम एक शहर है महाराष्ट्र में, वहां से ये भेजा जाएगा। ठीक है, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट में भी स्क्रीन पे देख सकते हो, वहां पे भी ये अनाउंसमेंट आ चुका है, वहां पे भी अपडेट आ चुका है कि 5 अक्टूबर को पैसा मिलने वाला है। लेकिन रुकिए, यहां से आप लोगों को ये तो कंफर्म हो गया कि 5 तारीख को पैसा मिलेगा, लेकिन क्या आपको मिलेगा? क्योंकि यहां पे देख सकते हैं 9.5 करोड़ किसानों को ही दिया जा रहा है। पिछला बार जो किस्त भेजा गया था वो 11.5 करोड़ किसानों को भेजा गया था। सोचिए इतना ज्यादा यहाँ पे कम कैसे हो गया। बहुत सारे किसान भाइयों को इस लिस्ट से निकाल दिया गया है। तो ये फटाफट आप लोगों को ये चेक कर लेना है कि ये वाला जो किस्त आपको आने वाला है 5 अक्टूबर को, ये आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है, आप सभी लोगों को आना पड़ेगा पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आप सभी लोगों को सामने ही दिख जाएगा कि पीएम किसान का अगला किस्त यानी कि 18वां इंस्टॉलमेंट जो है वो 5 अक्टूबर को आने वाला है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को नीचे आना है, स्क्रॉल करना है, वहां पे नो योर स्टेटस का एक ऑप्शन दिया जाएगा, यहीं पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा दोस्तों, और आप लोगों को अपना कैप्चा यहाँ पे फिल करना है। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा, ओटीपी देने के बाद आप सिंपली यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम ही नहीं होता है, उनको पता ही नहीं है कि पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर उनका है क्या। उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपने मोबाइल नंबर से और आधार कार्ड का नंबर देके आप बहुत ही आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो निकाल सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, कैप्चा फिल करना है और गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। एक ओटीपी आएगा, ओटीपी दे देना है और यहाँ पे आने के बाद आपका सबसे पहले जो डिटेल देखने को मिलता है वो पर्सनल डिटेल होता है। दोस्तों पर्सनल डिटेल मतलब कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो वही यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके नीचे आएंगे दोस्तों तो आप सभी लोगों को एक ऑप्शन आता है एलिजिबिलिटी स्टेटस का। एलिजिबिलिटी स्टेटस में सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है, लैंड सीडिंग यस होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का जो ये रिकॉर्ड है वो मिसमैच हो गया है, फिर यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह आ जाता है और नो ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, लैंड सीडिंग यस होना चाहिए। इसके बाद ध्यान देना ई केवाईसी स्टेटस, यानी कि ई केवाईसी आपने कराया है या फिर नहीं कराया बेसिकली। तो यहाँ पे यस मेरे केस में है, अगर आपके केस में नो है दोस्तों तो इसे यस करा लीजिएगा, अदरवाइज आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ई केवाईसी बहुत ही आसानी से ऑनलाइन ओटीपी के माध्यम से कर सकते हैं। कैसे किया जाता है मैंने अपने इस वाले वीडियो में बता दिया है, आई बटन पे लिंक है, जाके देख लीजिएगा अगर आपको करना है या फिर किसी को बताना है। ठीक है, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी दे देता हूं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस, इसका मतलब क्या है, यानी कि डीबीटी के माध्यम से सरकार जब भी आपके खाते में पैसा भेजती है ना तो वो आपके आधार कार्ड पे आता है और आधार कार्ड से जो भी बैंक अकाउंट जो लिंक है उस पे पैसा चला जाता है। लेकिन आपको यही नहीं पता है और आपने ये ध्यान ही नहीं दिया कि मेरा आधार कार्ड से कौन सा बैंक जुड़ा हुआ है या फिर नहीं जुड़ा हुआ है, तो कैसे चलेगा और पैसा कैसे आएगा? आधार कार्ड में आएगा, वापस चला जाएगा, क्योंकि डीबीटी आपने लिंक नहीं कराया है। ठीक है, इसलिए एनपीसीआईसी अपना खाता जरूर लिंक करवा दीजिएगा। अगर आपको इसके बारे में डिटेल से वीडियो चाहिए तो बताइएगा कमेंट करके, मैं वीडियो ले आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है इस पे आपको ध्यान देना है कि हाँ आपका सारा कुछ यस होना चाहिए, गारंटी होना चाहिए। इसके नीचे आएंगे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट के डिटेल में, दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे जो 18वां किस्त आने वाला है इसका एफटीओ आपके सेक्शन में यस हुआ है या फिर नहीं हुआ है, जो जिसका मैं यहाँ पे स्टेटस चेक कर रहा हूँ उसके केस में यहाँ पे एफटीओ प्रोसेस्ड यस हो चुका है दोस्तों, यानी कि इनका जो फंड ट्रांसफर ऑर्डर है वो पास हो चुका है। ठीक है, और अगर आपके केस में ये एफटीओ प्रोसेस नो आ रहा है तो घबराने वाली बात नहीं, एक दो दिनों में ये यस हो जाएगा और डेफिनेटली आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे 13th इंस्टॉलमेंट, जो मेरे केस में 18th इंस्टॉलमेंट है, यानी कि जिसका मैं चेक कर रहा हूँ बेसिकली, तो उसका 13th इंस्टॉलमेंट है, लेकिन सरकार की तरफ से जो 18वां किस्त है वो इनको मिलने वाला है। देख सकते हैं एफटीओ प्रोसेस यहाँ पे यस है। ठीक है, और आप लोगों को यह भी ध्यान देना है कि जिन जिन भाइयों को, जिन जिन किसान भाइयों को 16वां किस्त का पैसा, 17वां किस्त का पैसा मिल चुका है ना, उनको ये ध्यान में रखना ही है कि आपको पैसा मिलेगा, ये आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जिन्होंने नया नया अप्लाई किया है, अगर आपको यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक दिख रहा है तो आपको पैसा नहीं मिल पाएगा, इसको सही कराना होगा।
ठीक है। इस वीडियो को अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिनको जिनको अभी पैसा मिलने वाला है, अपने दोस्तों के साथ जाइए व्हाट्सएप में जाके 10 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चल जाए कि अगर ये प्रॉब्लम आपके यहाँ पे रहा तो आपको पैसा नहीं मिल पाएगा, जल्दी से सुधार करा लीजिए। कैसे सुधार होता है, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया वीडियो का, देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को इस लिस्ट से निकाल दिया गया। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ई केवाईसी हम घर बैठे कैसे कर सकते हैं ओटीपी के माध्यम से, तो ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। साथ में अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकलता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, तो इस वीडियो में बता दिया, जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा। दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आता तो फटाफट लाइक कर दो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके रख लेना, फ्यूचर में काम आएगा।